वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ मेरा डे रूटीन का मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट कर रही हूँ, देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा चाय बन गया है और इसको अभी मैं चाय पीने के बाद मेरा डेली रूटीन वर्क स्टार्ट करूँगी। उससे पहले आप में से कोई मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी कर दीजिएगा। बेल करके ऑल करोगे तो मेरे चैनल के और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन से आप तक आ जाएंगे तो उससे आराम से मेरे चैनल वीडियोस आप देख सकते हो। और बहुत से ऐसे वीडियोस है जो है मेरे, कुकिंग टिप्स भी है, ब्यूटी टिप्स भी है, कुकिंग वीडियोस है, हेयर रिलेटेड वीडियोस है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मेरा ये चाय बन चुका है, मैं पीने के लिए रेडी हो गई हूँ। सो देखिए मैं मेरा आगे का भी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चाय पी रही हूँ, मुझे लगता है आप सब लोग भी पिए रहेंगे। बहुत से काम है और चाय एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर में की कैसे बनाए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ये जो महामारी वायरस चल रहा है तो उसके वजह से कैसे कुछ मसाले डाल के काढ़ा टाइप, काढ़ा पीना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाय में कुछ मसाले डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके बना लेती हूँ और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे भी आप बना के पियोगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तब मेरा चाय पी के भी हो रहा है तो जैसे चाय पी के होते ही थोड़ा सा घर को झाड़ू से साफ करके फिर घर में और गैस क्लीन करके फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं आज का कुकिंग मतलब मैं कभी सोच ही नहीं क्या बनाना है और ब्रेकफास्ट लंच और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी मेरे घर को क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, तो एकदम कॉर्नर कॉर्नर से पूरा मैंने क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है। सो देखिए, ऐसे मैं मेरे घर को क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो मेरा हाउस है वो रेंट है, मैं अभी अभी न्यू शिफ्ट हुई हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र टू करीमनगर, तो अभी हम यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट होके अभी 3-4 दिन ही हो रहा है, तो लॉकडाउन में बहुत सा प्रॉब्लम्स दिक्कत आए मेरे को, फिर भी लेकिन मैं थोड़ा हिम्मत की शिफ्टिंग करने के लिए। और अभी हाउस क्लीनिंग, हाउस झाड़ू करके फिर मुझे पोछा लगाना है। तो देखिए, मेरी बेटी का थोड़ा सा सर दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब करती है वो, कुछ काम करने भी नहीं देती है, फिर भी मैं कर रही हूँ। उसको थोड़ी देर के लिए मोबाइल भी हाथ में दी, कार्टून वगैरह देख रही थी वो। तो ऐसे करके मैं आराम आराम से पूरा घर को क्लीन कर ले रही हूँ साइड साइड से। और देखिए, आपको दिख रहा है वीडियो में, मैं कुछ ज़्यादा सजा के नहीं रखी हूँ घर को, जैसे मैं सामान लेके आई थी वैसे ही थोड़ा रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर ले रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किचन को और अच्छे से सेट कर लिया है। और देखिए, अभी ये वाला हॉल भी मैं, अभी इससे पहले आप मेरे बेडरूम को मैंने क्लीन किया था और अभी हॉल को क्लीन कर रही हूँ। देखिए, ऐसे करके क्लीन मेरा स्टार्ट हो रहा है, क्लीनिंग करना। ये तो सभी लेडीज़ करती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है घर का। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स है, जो बाहर जाके जॉब करने वाले, तो उनको ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी मैं तो फ्री हूँ, घर में ही हूँ, तो इसके लिए मैं कर ले रही हूँ। और देखिए, मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। किचन बहुत ही छोटा है फ्रेंड्स, बहुत मेरे को दिक्कत हो रहा है एडजस्टमेंट करने के लिए। देखिए, मैं ट्रांसफर में मेरा सामान भेजी थी तो उसमें से मेरा गैस का देखिए एक पहिया टूट गया है, तो मैं उसके कटोरी रख के अभी एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके मैंने तीनों घरों को अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके बाद मुझे पोछा लगाना है। तो लादी पोछा करने के लिए मैं बाल्टी में पानी ले चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी फ्रेश वाटर के साथ। तो मेरे पास मॉप भी नहीं है फ़िलहाल, तो मॉप भी ख़रीदना है। मॉप भी टूट गया है मेरा, तो मैं अभी एक क्लॉथ से ही मैं घर को क्लीन कर रही हूँ। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं मॉप भी ख़रीदने वाली हूँ।
बहुत से मेरे को किचन आइटम्स है जो ख़रीदना है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ। और ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे करने से ही बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज का फीलिंग महसूस होता है। तो जो मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह नहीं करते तो उन लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जो एकदम बेंड होके घर को पोछा करना, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और मेरा बालकनी भी बहुत बड़ा है, उसको भी मुझे रेगुलर क्लीन करना पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अभी मेरा किचन क्लीन हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप में से कोई मेरा ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ऐसे करके पूरा अच्छे से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक मैं एक्चुअली वीडियो थोड़ा फास्ट की हूँ 2x। तो ये मेरा बालकनी है जो बहुत सारा डस्ट आता है, क्योंकि रोड साइड पे घर है मेरा, तो बहुत सारा डस्ट आता है। और बाहर एक नल है, वो नल से मैं पानी लेके और जो लादी पोछा की थी वो पानी में फेंक रही हूँ और फ्रेश फिर से वाटर ले रही हूँ। और वो वाटर कलेक्ट करके फिर मुझे बालकनी क्लीन करना है। तो बालकनी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रूटीन बालकनी भी दिन में एक बार धो लेती हूँ और बाद में शाम को झाड़ू लगा लेती हूँ। बहुत सारा डस्ट आता है, उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ कि मेरा घर कैसे रोड साइड पे, उसके वजह से बहुत पोल्यूशन के वजह से बहुत सारा धूल मिट्टी भी आ जाता है। और ऐसे करके मैं एकदम इसको क्लीन कर ले रही हूँ और एक बार झाड़ू से क्लीन कर लूँगी। देखिए मेरा क्लीनिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। और मेरी बच्ची को अच्छा प्लेस है खेलने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, क्योंकि बालकनी बड़ा रहेगा तो बच्चों को फ्रीली आराम से खेल सकते हैं। और थोड़ा पानी डाल के और क्लीन कर रही हूँ, जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल के पूरा क्लीन कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं मॉर्निंग से आपको मेरा वीडियो दिखा रही हूँ, इतना सारा काम रहता है मॉर्निंग में, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले काम है। फ्रेश रखना घर को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी ऐसे ही, मैं जैसे दिखा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, आप भी ऐसे ही काम कर लीजिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको भी ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करोगे तो मुझे एंकरेजमेंट होगा, मैं और उससे आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना के दिखा सकूँगी। तो ये देखिए अभी मेरा एकदम से रेडी हो चुका है क्लीनिंग, तो मैं आपको दिखा रही हूँ क्लाइमेट कैसा है और बाकी एरिया वगैरह कैसा है, देख लो आप। अभी मॉर्निंग के 8 बजे तो देखिए कितना सारा धूप है बाहर और बहुत सारा धूल भी आ जाता है। मॉर्निंग 7 को ही सनराइज, पूरे सन के रेस जो है वो घर में आ जाते हैं। और अभी मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बर्तन को क्लीन कर ले रही हूँ।
एक्चुअली रात को मैंने बर्तन नहीं धोया था, नहीं साफ़ की थी, तो इसके लिए मैं अभी बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्तन को क्लीन करके फिर उसके बाद में मुझे धोना है। तो ये क्लीनिंग का काम स्टार्ट हुआ है मेरा अभी, तो ये पूरा एक साथ मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग करके फिर मुझे गैस को भी क्लीन करना है और मेरा रूटीन वर्क फिर मैं स्टार्ट करूँगी। आज के लंच में भी मैं छोले वगैरह बनाने का प्लान किया है, उसका भी मैं आपके साथ वीडियो कुकिंग का दिखा देती हूँ। और किचन छोटा होने के बावजूद मुझे इतना सेटिंग से काम करने के लिए नहीं हो रहा है, सेटिंग के साथ काम करने के लिए नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे देखी नहीं थी रूम कैसा है, हमारे रिलेटिव से उन्होंने देख के मुझे बता दिया था, तो उस हिसाब से मुझे घर लेना पड़ा। एक्चुअली कैसे हम लेडीज आके देखते हैं तो उससे अच्छा अपने को कंफर्टेबल है कि नहीं ऐसे हम ले सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड ने दिखाया और इस लॉकडाउन में उसने मुझे बहुत मदद किया है, और एक दिन उसके साथ भी मैं व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है जो मुझे इतने मुसीबत में मुझे उसने हेल्प किया। तो एक्चुअली इस टाइम पे कोई ऐसा हेल्प नहीं करता है, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया है, उसका भी मैं आपके साथ वीडियो और फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी कुछ दिनों में। तो देखिए बर्तन मेरे इतने सारे हैं, साफ़ कर ले रही हूँ, और आप कंटिन्यू आगे मेरा वीडियो देखते रहिएगा।
सो फ्रेंड्स, अभी आपने इतना काम देखा मेरा, लादी पोछा, बर्तन, गैस क्लीनिंग, उसके बाद मैं नहा के अभी एकदम से आराम से बैठी हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर मुझे लंच प्रिपेयर करना है। तो लंच में मैं छोले और रोटी और राइस बनाने का प्लान किया है, और ये मेरे हस्बैंड को फरमाइश है छोले बनाने का, तो मैंने रात में भिगो के रखा था, एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए रखा था, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, डायरेक्टली लंच ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और छोले मैं बनाने वाली हूँ आज, तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी, तो आप मेरे से बने रहिएगा, देखिए आगे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी छोले बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने छोले रात को भिगो के रखा था, ऐसे मैं छोले ले रही हूँ, और ये देखिए मैंने सूखा खोबरा को काट के रखा है, और साथ में अदरक, लहसुन और कांदा भी एक काट के रखा है। इसको मैं कुछ तेल में फ्राई नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो ये वाला ग्रेवी बनाने के लिए ये वाला बहुत ही अच्छे से बनेगा ग्रेवी आपका, ऐसे आप लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाओगे तो इतने ही लगेंगे। और साथ में आपको ग्रेवी में डालने के लिए टमाटर और पोटैटो, आलू वगैरह लगेगा, उसके भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी। सो देखिए, ये मैंने आटा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और साथ में पानी डाल के आटे को गूंद रही हूँ। आटे को गूंद के मैं रख दूँगी, तो देखिए ऐसे पानी ऐड करके, आप जितना पानी ज़रूरत है उसे थोड़ा सा आपको ऐड करके पानी डाल के अच्छे से आटे को गूंद लेना है। ऐसे आप खाना बनाने से, मतलब रोटी बनाने से 10-15 मिनट पहले आप गूंद के रखोगे तो आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट आएंगे। तो मैं थोड़ा पतली रोटी बनाती हूँ, इसके लिए मुझे एकदम भिगो के रखती हूँ आटे को, तो पतले रोटी बनते हैं और एकदम सॉफ्ट रहते हैं, फूलते नहीं है, लेकिन अच्छे से बन जाते हैं रोटी, खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। और देखिए ऐसे करके मैं पूरे आटे को गूंद लूँगी, और इसमें से आप में से कोई मेरे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, और थोड़ा पानी लगेगा इसके अंदर, और थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको गूंद लूँगी आटे को, और थोड़ा सा तेल भी लगेगा जो फाइनली बाद में यूज़ करेंगे तेल को। तो देखिए कितने जल्दी से मैंने ये आटा गूंद लिया है, ऐसे करके आप पूरे आटे को गूंद लीजिएगा, आपको दोनों हाथ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल आप एक ही हाथ से भी आटा गूंद सकते हो। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आप आटा जरूर गूंदिएगा। पूरा अच्छे से आटा गूंद गया है, और थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के आपको फाइनल टच देना है, और इसको आप 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखिए। एक्चुअली मेरा किचन छोटे रहने के कारण मैं गैस के यहाँ पे रोटी नहीं बना सकती, नीचे बना के प्लेट में लेके फिर मुझे जलाना है। तो एक एक करके मैं आपको आज के रूटीन ब्लॉग में राइस और चपाती और अपना रोटी बना रही हूँ। देखिए मैंने तेल ले रही हूँ, तेल को एक बार ऐसे थोड़ा सा डाल के अच्छे से इसको ये कर लूँगी, मसल लूँगी, अच्छे से लम्ब्स पूरे निकल जाए तब तक आप अच्छे से इसको मसल लीजिएगा आटे को, तभी जाके आपके रोटी बहुत ही अच्छे नरम, मुलायम, सॉफ्ट बनेंगे। 10-15 मिनट के लिए ऐसे रख दीजिएगा, और थोड़ा ऑयल इसको डाल के आप भून लीजिए ऐसे। इसी करके आप अच्छे से आपके आटे को रेडी कर लीजिएगा, और साइड बाय साइड इसके बाद हम साइड बाय साइड छोले के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसको भी हम बना लेंगे। मैं तो लेस इंग्रेडिएंट्स में ही बनाती हूँ, तो फिर भी आप देखिए क्या क्या मुझे लगने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आलू, टमाटर और कांदा को धो के लेके आया है, और एक कांदा से ऐसे बारीक काट लूँगी, और साथ में मैं टमाटर का
का भी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस कट करूँगी, और साथ में ये जो आलू है पोटैटो उसको मैंने छिलका नहीं निकालूँगी, डायरेक्टली कट करके इसका यूज़ करने वाली हूँ। आप छिलका नहीं निकालोगे तो इसका टेस्ट और ही बढ़िया आएगा। तो खाली आपको मिट्टी जाने तक आलू को अच्छे से धो लेना है, आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से ऐसे कट कर लीजिए प्लेट में। देखिए अभी आलू को कट कर रही हूँ, और जो मैंने आपको ग्राइंडर करने के लिए बोला था उतना आप पेस्ट बनाओगे तो आपका अच्छे से स्वाद बहुत ही अच्छा बनेगा। ओनली बहुत प्लस इन्ग्रीडियंट्स में आपका ये भाजी बन जाएगा, छोले रोटी के साथ, पूरी के साथ या भटूरे के साथ इसको आप खा सकते हो। मैं तो पूरी के साथ नहीं, ओनली रोटी के साथ खाने वाली, चपाती के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, और आपके छोले कैसे बने हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं सभी चीज़ों को अच्छे से कट करके रख रही हूँ। कट करके रखने से अपना खाना भी एकदम जल्दी बन जाता है, खाना जल्दी बन जाता है। ऐसे सभी चीज़ें रेडी करके हम खाना बनाते हैं तो खाना भी जल्दी बन जाता है। और लेकिन एक बात तो है, लेडीज़ को सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसे आपको अच्छे से जैसे मेरे कम मैनेजमेंट में मैं कितना काम कर रही आपको दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ये टमाटर ये हो गया है, नरम हो गया है, तो मैं इसके साइड के सब काट दे रही हूँ, ऐसे कट करके यूज़ करने वाले हैं। एकदम उसको ऐसे मार लगा है, इसके लिए थोड़ा सा नरम हुआ था। थैली मेरी बेटी थैली को ऐसे पटक दी थी तो टमाटर थोड़ा ये हो गया। ऐसे दो टमाटर और दो आलू और दो कांदा आपको लगेंगे ये भाजी बनाने के लिए। ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आगे हम देखेंगे इसका प्रोसीजर भी। तो प्रोसीजर देखने से पहले ये ऐसे सभी इन्ग्रीडियंट्स आप रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए मेरा किचन है, बहुत ही छोटा किचन है, और मैं गैस ऑन कर रही हूँ वो भी माचिस के यूज़ के साथ, क्योंकि मेरा लाइटर भी गुम हो चुका है। सामान हम शिफ्टिंग कर रहे थे तभी गुम हो चुका था, और लॉकडाउन की वजह से नया नहीं खरीद पा रही हूँ। और छोले बनाने के लिए मैं कुकर भी रखी हूँ, और कुकर को अच्छे से गर्म करके उसके अंदर तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद इसके बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे वो, और मेरा लाइटर गुम हो चुका है, और साथ में देखिए मेरा किचन का एक नीचे जो रहने वाला स्टैंड रहता है ब्लैक कलर का, वो भी गुम गया है। इसलिए मैं एक बाउल लगा के अभी यूज़ कर रही हूँ। मैं राई जीरा ऐड की और कांदा भी ऐड की हूँ, इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी पकने तक। दो चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और देखिए मैं दो तीन मिर्ची भी कट करके डाल रही हूँ, ऐसे अच्छे से मिला लीजिए। मैंने तो छोले भी ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से आप तेल में फ्राई कर लीजिएगा। ऐसे तेल में फ्राई करने से कुछ अनवांटेड स्मेल है तो सब निकल जाएगा, कच्चा स्मेल निकल जाएगा। और साथ में आपको हल्दी डालना है, देखिए हल्दी भी ऐड की हूँ मैं। देखिए अच्छे से हल्दी ऐड करने के बाद फिर मैं साइड में चेक कर रही हूँ राइस पक रहे थे, राइस बन रहा है कि नहीं, ऐसे करके चेक कर रही हूँ। और साथ में मैंने अभी टमाटर और ये पोटैटो आलू भी ऐड किया है। उसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख ले रही हूँ।
साथ में देखिए अभी मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है और रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ एज़ पर टेस्ट। आपके टेस्ट के इतना आप लेके ऐड बना सकते हो नमक एज़ पर टेस्ट, और उसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। और साइड में इस राइस का भी मैं ढक्कन निकाल के रख ली हूँ ऐसे करके। और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था खोबरा ऑनियन खोबरा लहसुन जीन गार्लिक जो भी मैं आपको दिखाई थी वीडियो में वो सबका मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको भी इस कुकर में ऐड करके अच्छे से मिक्स करने के लिए रख दिया और थोड़ी देर ढक्कन रख के इसको बॉईल लेने के लिए रख रही हूँ। और बाद में फिर से एक बार आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करके कुकर के जो मिक्सी ग्राइंडर है उसके अंदर पानी डाल के वो पानी आप ऐड कर लीजिए, और आपको आपके ग्रेवी के हिसाब से आपको ऐड करना है। आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, कम मीडियम चाहिए तो आप मीडियम के हिसाब से डाल दीजिए। ये देखिए मैंने फाइनली इसके अंदर कड़ी पत्ता और कोथमीर ऐड किया है और ये गरम मसाला ऐड किया अभी। फिर एक बार अच्छे से मिला लीजिए और इसको ढक्कन रख के सीटी बजाने के लिए रख लीजिएगा। 4 सीटी में इसका एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आपका ये भाजी बन जाएगा। कुकर का ढक्कन रख के आपको ये पका लेना है। साइड में से राइस भी बन रहा है। देखिए सीटी भी आना स्टार्ट हो चुका है कुकर का। ऐसे करके आपको 3-4 सीटी बना के रख देना है, और साथ ही में ये होने के बाद छोले होने के बाद आपको रोटी सेकने के लिए तवा लगा के आपको रोटियां रखने हैं। तो मैं रोटियां नीचे बैठ के बना रही हूँ, उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि ऊपर गैस में इस किचन में बिल्कुल जगह नहीं है, इसके लिए मैं नीचे बैठ के बना के प्लेट पे रख दी हूँ। फिर एक एक करके मैं शेक लूँगी। देखिए अपना भी ये छोले बन चुका है, साथ में राइस भी बन रहा है, और थोड़ा देर टाइम लगेगा राइस को। ये देखिए छोले बना के नहीं चेक कर रही हूँ मैं, एकदम परफेक्टली बन चुका है। देखिए अभी मैं तवा लगाई हूँ और रोटी सेकने के लिए, तो एक प्लेट में रोटियाँ ली थी और एक बाउल में तेल, एक एक करके मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और रोटी रखने के लिए और एक बाउल मैंने लिया है। ये देखिए मैंने बहुत से पतला रोटी बनाया है, इसके लिए फूलेगा नहीं लेकिन सॉफ्ट और एकदम नरम रहेगा रोटी, तो आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंटिन्यू काम मैं कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था आपके साथ, सुबह में जो बात करके मैंने चाय पिया था वही चाय, उसके बाद मुझे खाने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। ऐसा रूटीन वर्क होता है लेडीज़ लोगों का। ऐसे करके आपको दोनों तरफ से रोटी को अच्छे से सेक लेना है। एक बार अच्छे से तवा को क्लीन कर लो, फिर दूसरी रोटी डाल दीजिएगा। थोड़ी एक रोटी है थोड़ी टूट गई है पतली होने के बाद, थोड़ा सा आटा एकदम नरम हो चुका था इसके लिए ऐसे हुआ है। गूंद के आटा ज़्यादा देर तक रखते हैं तो नरम हो जाता है। से फ्लिप करके आपको दोनों साइड से आपको रोटी को सेक लेना है।
में से तीसरी रोटी ऐड कर रही हूँ मैं। तो आपको पूरा वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तीन रोटी सेक के मैं अभी आपको वीडियो आगे दिखा दूँगी, देख लीजिएगा और फ्रेंड्स ऐसे मेरे से बना रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आप अभी तक मेरे मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का मैंने आपके साथ ये वीडियो ब्लॉग का वीडियो शेयर किया है। तो उससे पहले आप में से कोई मेरा फर्स्ट टाइम एड वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं अभी आज से वैसे ब्लॉग्स बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं ब्लॉग्स और कुछ कुकिंग के वीडियोस भी है, आप उसको भी देखिएगा। और ब्लॉग्स मैंने लास्ट टाइम एक ब्लॉग डाला था उसका भी लिंक देती हूँ मैं, ग्रीनरी का, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए मेरे सराउंडिंग में अभी 12:30 बज रहे हैं, मेरा प्रोटीन का काम हो चुका है और यहाँ का क्लाइमेट वगैरह देखो कितना अच्छा, ब्यूटीफुल, एकदम कूल है क्लाइमेट भी और हवा भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो बाय फ्रेंड्स।